वाला प्यारा बानी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाम तो खट बानी। आओ खेले। रास्ते में हुआ टायर पंक्चर। दादाजी, दादाजी, सुनिए दादाजी। हम आ गए, चलो चले। अरे वाह वाह वाह, क्या हम न्यूज़पेपर लेने वाले हैं दादाजी, और थोड़ी सी मिठाई। बैठ जाओ बच्चों और सीट बेल्ट बांध लो। तुम तैयार हो तो हम चलें। यिप्पी। जल्दी आना मेरे बच्चों, हम लेंगे मिठाई, रसगुल्ले, जलेबी और रसमलाई। मैं तो गर्मा गर्म जलेबी खाऊंगा गपागप। ओ, और मैं रसगुल्ले खाऊंगा गैस पर। मुझे रसगुल्ले बिल्कुल नहीं पसंद, तुम ही खाओ। हाँ, पर वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और यूं जाते हैं सीधे पेट में। वो क्या था, क्या हो गया दादाजी? ओ नहीं, हमारा टायर पंचर हो गया। पर दादाजी, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं मैकेनिक को बुलाता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, मतलब कि मिठाइयाँ, वो हमें कब मिलेंगी? ओ, वो हम किसी और दिन खरीद लेंगे बेटा। हेलो, मेरे बाइक का टायर पंचर हो गया। जलेबी का क्या होगा? सिर्फ तुम्हारी जलेबी नहीं गैस्पर्ट, मुझे मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट रसगुल्ले कैसे मिलेंगे? ये ट्रक कितना बढ़िया है ना? क्या हुआ? और जल्दी कीजिए, आपको टायर जल्दी ठीक करना होगा ताकि हम मिठाई लेने जा सके अंकल। हाँ, मुझे मेरी जलेबी जो खानी है। हाँ, फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं आपका पंचर ठीक कर दूंगा। आ जाओ अंदर बैठो। शरारत मत करना। देखो गैस्पर, मैं ट्रक चला रहा हूँ। कौन था वो? तुम दोनों में से किसने हॉर्न बजाया? हाँ सॉरी, मुझे नहीं पता था ये इतनी आवाज करेगा। कोई बात नहीं। हे सुनो बच्चे, तुम चाहो तो उस बटन को दबा सकते हो। शाबाश साइमन। तो बच्चों, चलने के लिए तैयार हो? यस। सुनिए अंकल, क्या हम आपकी कुछ मदद करें? आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं भी, मुझे भी मदद करनी है। ठीक है, जब तक मैं पंचर वाला टायर निकालता हूँ तुम दूसरा ले आओ। टायर वहां रखे हैं, देखो ये वाला टायर बच्चों। ओके दादाजी। ये लीजिए। ओ शुक्रिया बच्चों, अब तुम हवा भरने के लिए वो होज लाओगे? हाँ अभी लाया। अभी लाया। बढ़िया, अब ध्यान से सुनो, हवा भरने के लिए उस हैंडल को खींचना पड़ेगा और जब मैं बंद करने कहूँ तो तुरंत बंद करना होगा, नहीं तो टायर फट जाएगा। ओके ओके। तीन गिनने पर बंद कर दो। एक, दो, तीन। अब जल्दी से बंद कर दो। ओ नहीं हो रहा है दादाजी। रुक जाओ साइमन, मैं करता हूँ। बिल्कुल सही वक्त पर। शाबाश बच्चों, तुम बहुत अच्छे मैकेनिक्स हो और तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर अगली बार किसी का टायर पंक्चर हुआ तो आप हमें बुलाएंगे, है ना?
हे गैस्पर, तीखा मीठा खाकर देखो। हाँ ठीक है। ये तो बहुत तीखी है। हे मेरे दोस्तों देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाटक खट बनी। आओ खेले। ये है प्रिकली हेजहॉग। तुम्हारी बारी साइमन। सुपर शॉट। ओ मिस हो गया। ओह नहीं नहीं नहीं, पेड़ के खोखले हिस्से में नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता है। ओ कोई बात नहीं गैस्पर, मैं जाकर लेकर आता हूँ। हे ये क्या है? हो गैस्पर जल्दी आओ यहाँ, इसे देखो। तुम्हें वहाँ क्या मिला साइमन? आओ तो खुद ही देख लो। यहाँ देखो गैस्पर, ये एक हेजहॉग है। ओ, देखो साइमन ये कितना क्यूट है। ठीक है हम इसे घर ले चलते हैं। आउ, 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 आउच, आउच। संभल कर गैस्पर, ये नुकीले होते हैं, अगर इन्हें लेकर जाना है तो हमें ग्लव्स पहनने होंगे। तुम जाकर ग्लव्स लाओ, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। ठीक है साइमन, मैं अभी लेकर आता हूँ। हम तुम्हें अपना कमरा दिखाएंगे, हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं। मैं आ गया और ग्लव्स भी मिल गए साइमन। हम इसे किस नाम से बुलाएंगे साइमन? ये नुकीला होता है तो हम इसे प्रिकली बुलाएंगे। प्रिकली, ये बहुत अच्छा नाम है। हेलो प्रिकली, कैसे हो? ओ पापा पापा, देखिए हमें क्या मिला। ये हेजहॉग। हाँ हेजहॉग, और इसका नाम है प्रिकली। सॉरी बच्चों, पर ये हमारे घर में नहीं रह सकता। पर क्यों पापा? क्योंकि ये एक जंगली जानवर है, ये घर में नहीं रह सकता, इसे गार्डन में ही छोड़ा। नहीं, ओके पापा, ऐसा मत करो, ये हमारा दोस्त है। पर बच्चों ये हमारे घर में खुश नहीं रह पाएगा। पर हम पक्का इसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। साइमन ये बाहर रहा तब भी तुम इसकी देखभाल कर पाओगे। ठीक है पापा। सॉरी प्रिकली, तुम्हें बाहर ही रहना होगा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो प्रिकली, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। पर मैं समझ गया, तुम्हें भी तो घर चाहिए होगा। ओ हाँ, तुमने सही कहा साइमन। तो चलो गैस्पर, हम इसके लिए घर बनाते हैं। प्रिकली आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए घर बनाया है। अरे वो कहाँ चला गया? ओ वो वहाँ पर है, वो घर के अंदर चला गया। प्रिकली तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जल्दी गैस्पर, हमें उसे पकड़ना होगा। प्रिकली कहाँ हो तुम? गैस्पर चलो हम जाके बेडरूम में देखते हैं। अरे वो कहाँ चला गया? शायद वो लिविंग रूम में हो। प्रिकली 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 प्रिकली, तुम कहाँ छुपे हो? ओ प्रिकली, वो वहाँ पर है। देखो गैस्पर, ये यहाँ है। अरे नहीं। चलो भी प्रिकली, मान जाओ तुम घर में नहीं रह सकते। पर वो बहुत तेज है साइमन। ओ अब मैं समझा, मेरा प्लान सुनो गैस्पर, हमें अलग होना होगा। तुम उसके पीछे भागो, मैं हम चेयर के पीछे छुप जाता हूँ। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। प्रिकली मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। हे रुक जाओ, आ जाओ। पकड़ लिया प्रिकली। बहुत अच्छे साइमन। ये क्या? मैंने कहा था ना इसे गार्डन में छोड़ाओ। पर बात सुनिए पापा, ये खुद अंदर आया था। क्या कहा तुमने? ये खुद हमारे घर के अंदर आया था? हाँ सच कह रहा हूँ पापा, ये सुपर सोनिक हेजहॉग है। अच्छा अब चुपचाप इसे बाहर छोड़ाओ। हाँ हाँ ठीक है पापा। ये देखो ये तुम्हारा नया घर है प्रिकली। मुझे नहीं लगता प्रिकली को ये घर पसंद आया।
हाँ, उसे देखो। ओह, कैस्पर, इसका घर यहाँ है। ये लो, तुम घर पहुँच गए प्रिकली। तुमने देखा कैस्पर, प्रिकली को यही घर पसंद है। पापा, ये मेंढक देखिए, क्या ये हमारे साथ रह सकता है? हे मेरे दोस्तों, देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। सबसे बेस्ट कौन है? ऊपर और ऊपर साइमन, और जोर से, और जोर से साइमन। हाँ, तुम अटक गए कैस्पर। साइमन, मजाक मत करो। मैं नीचे कैसे उतरूं? हे, हाय साइमन, कैसे हो कैस्पर? ओह हाय फर्डिनेंड। हे, इसमें तो मजा आ गया। हे, देखो, मैं दो बार स्किपिंग कर सकता हूँ, मैं इसमें माहिर हो रहा हूँ, देखो। वाह, क्या बात है, फोर्डिनेंड कितनी अच्छी स्किपिंग करता है ना। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी स्किपिंग रोप से बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो साइमन, हमारे पास तो स्किपिंग रोप है ही नहीं। हाँ, पर फिर भी मुझे आती है, मैं फर्डिनेंड से भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अपनी रोप दोगे? क्यों नहीं, ये लो साइमन। अब देखना तुम मेरा कमाल। तुमसे नहीं हो पाएगा, फर्डिनेंड तुमसे कई गुना बेहतर है। मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे सबसे बेस्ट हूँ। अरे अरे, रुको तो सही, देखो मैं करके दिखाता हूँ। छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा साइमन। मैं हूँ स्किपिंग रोप का चैंपियन। तो क्या हुआ अगर तुम स्किपिंग में बेस्ट हो, मैं रेसिंग में बेस्ट हूँ? ऐसा नहीं है, मैं स्किपिंग और रेसिंग दोनों में सबसे बेस्ट हूँ, समझे? हो ही नहीं सकता, मैं हूँ बेस्ट। हे, तुमने देखा, तुमने देखा, मैं अभी अभी कूदा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है गैस्पर, तो तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेस्ट हो, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो रेस के लिए एलिफेंट स्लाइड से फ्लावर बेड, और जो भी सबसे पहले कैसल के फ्लैग तक पहुंचेगा वो होगा विनर। अच्छा ठीक है, ऑन योर मार्क्स एंड गेट रेडी। हे, मैं भी रेस लगाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो गैस्पर। ये वैसे भी वो हमें नहीं हरा पाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। तो ठीक है, तैयार, 1, 2, 3, चलो दौड़ो। हे, मेरे लिए तो रुको। मैं सबसे तेज हूँ। हाँ, पर जीतूंगा तो मैं ही, देखो मेरी सुपर सोनिक स्पीड। मैं हूँ बेस्ट, जीता मैं क्वेस्ट। मैंने कहा था ना, नहीं, उस स्लाइड पर से मैं फिसल कर नीचे गिर गया था। कोई बात नहीं, पर मान लो रेसिंग में बेस्ट मैं हूँ। मैंने कर दिया, मैं भी जीता, मैं भी एक सुपर रेसर हूँ। तुमने देखा नहीं मैं कितना तेज था? हाँ हाँ गैस्पर, ठीक है, तुम रेस में मुझसे तेज हो सकते हो, लेकिन साइकिल पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। बिल्कुल नहीं, साइकिलिंग में भी बेस्ट मैं ही हूँ। अच्छा, तो हो जाए मुकाबला। हाँ, मैं कौन सा मुकाबले से डरता हूँ। अब सुनो, जो भी ये रेस जीतेगा वो होगा सबसे बड़ा चैंपियन। मैं भी, मुझे भी साइकिल रेस में ले लो। तुम्हारी ट्राईसाइकिल से? हाँ बिल्कुल, ये सुपर डुपर तेज साइकिल है। अच्छा ठीक है, और वैसे भी तुम नहीं जीतने वाले। मैं जरूर जीतूंगा, क्योंकि मेरी साइकिल सबसे तेज है। तो जो भी झूले तक पहले जाएगा वो जीत जाएगा। रेडी गो। मैं ही जीतूंगा। बिल्कुल नहीं, देखना मैं ही जीतूंगा। हट जाइए। बच्चों, साइकिल इतनी तेज नहीं चलाते, चोट लग सकती जी है। हाँ, हमसे गलती हो गई, और हम चले। हे, मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। फिल्म में सपने मत देखो, कभी पूरे नहीं होंगे। सामने डक से संभल कर।
करने के लिए तैयार हो जाओ। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया। तुम्हारा छोटा भाई तो जीत गया, अब हम दोनों में से चैंपियन कौन हुआ? हम में से तो कोई नहीं, पर मेरा छोटा भाई जरूर है असली चैंपियन। हाँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं चैंपियन हूँ, जीत गया। हे, देखते हैं सबसे पहले लॉलीपॉप कौन खत्म करता है। हे मेरे दोस्तों, देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। कितना खतरनाक मॉन्स्टर है। आ जाओ साइमन और गैस्पार, कुछ देर और फिर हम लेक तक पहुंच जाएंगे। ये हम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। सुपर। दादाजी, दादी जी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और नहीं चल सकता। पर हम बहुत जल्द स्विमिंग करेंगे गैस्पार, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, मैं और आगे नहीं चल सकता। तब तो ये बुरी बात है गैस्पार, क्योंकि हमें शायद पिपोलिनो देखने मिल जाए। हाँ, पिपोलिनो, वो क्या होता है दादी जी? मैंने उसे कभी देखा तो नहीं, पर जानती हूँ कि वो एक जानवर है जिसके बड़े बड़े सिंह होते हैं। वाह, क्या पिपोलिनो सच में होते हैं? हाँ होते हैं बेटा, कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर हम उसे ढूंढेंगे, ठीक है बेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं और आगे नहीं चल सकता। पर दादी जी, पिपोलिनो सच में नहीं होते है ना? ऑफ कोर्स वो नहीं होते बेटा, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, वरना हम लेक तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओह, समझ गया, ठीक है। ओ चलो गैस्पर, आओ पिपोलिनो को ढूंढने की कोशिश करें। नहीं, पिपोलिनो जैसा कुछ नहीं होता, वो सच में होते हैं, तुम उनके पीठ पर भी बैठ सकते हो, पता है? हाँ सच में, बस तुम देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। चलो गैस्पर, चलते हैं। सुपर, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ साइमन। हे, मेरे लिए रुको साइमन, मैं भी चलना चाहता हूँ। ओ दादी जी, दादी जी, पिपोलिनो कैसे दिखते हैं? वेल, उनके शरीर पर फर होती है और हाँ, बहुत बाल होते हैं और बहुत सारी आँखें भी। तो उनकी कितनी आँखें होती है? कितनी, एक, दो, हाँ शायद आठ। आठ? तब तो पिपोलिनो बहुत डरावने होते होंगे। बिल्कुल नहीं, फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं उसे सच में देखना चाहता हूँ। कहाँ है पिपोलिनो, बताओ कहाँ है वो? हे पिपोलिनो, बाहर आओ। शाबाश गैस्पार, हम लेक तक पहुँच गए। ओ दादी जी, फिर पिपोलिनो कहाँ है? लगता है आज वो बाहर नहीं आना चाहता। कोई बात नहीं, हम उसे फिर कभी देख लेंगे गैस्पार। चलो स्विमिंग के लिए रेडी हो जाओ। ये, बिल्कुल नहीं, पहले मुझे पिपोलिनो को ढूंढना है, ठीक है? अच्छा ठीक है गैस्पार, तुम दादा दादी जी के साथ जाकर वहाँ देखो और मैं उसे यहाँ देखता हूँ। ठीक है साइमन। आप गैस्पर के साथ रहिए दादी जी, मैं पिपोलिनो की तरह बनकर आता हूँ। अच्छा आइडिया है साइमन। पिपोलिनो, जहाँ भी हो बाहर आ जाओ पिपोलिनो। पिप पिप पिप, आपने सुना? वो एक पिपोलिनो है, जल्दी चलो दादी जी। ओ नहीं, रुको गैस्पर। पिप 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 पिप। ओए साइमन, पीप पीप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं गैस्पार, मैं बस पिपोलिनो की तरह आवाज निकाल रहा था उसे बुलाने के लिए। सच में? ओह हाँ सच में। कम ऑन, तुम भी करो गैस्पार। पीप पीप पीप। हाँ, पीप 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 पीप। तुम दोनों अब स्विमिंग करना चाहोगे? नहीं नहीं, रुकिए दादाजी, हमें पहले पिपोलिनो को ढूंढना है। हे साइमन, हम पिपोलिनो को ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम उसे ढूंढ लेंगे। यूहू, पिपोलिनो कहाँ हो तुम? आ जाओ। गैस्पर तो मान ही नहीं रहा। साइमन साइमन, दादी जी यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लगता है मैंने पिपोलिनो के पैरों के निशान ढूंढ लिए। ये तो पंछियों के पैरों के निशान है गैस्पार। ओ, हम कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। शायद फिर कभी गैस्पार।
दादी जी मैं पिपलीनों को देखना चाहता हूँ। ए साइमन तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये पिपलीनों के पैरों के निशान है। लेकिन ये तो तुमने बनाया है। हाँ पर मैं वो तो पिपलीनो है, देखो साइमन ये तो पिपलीनो है, देखो। पर ऐसा नहीं हो सकता, पिपलीनो तो सच में होते ही नहीं। सरप्राइज। मतलब दादाजी है पिपलीनो? अब मैं आपके पीठ पर बैठूंगा दादाजी। चलो पहले अपने स्विम सूट पहन लो। एक पल के लिए मुझे लगा पिपलीनो सच में होते हैं, पर ये पिपलीनो तो मेरे दादाजी निकले। पीपू 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 पीपू। हे मेरे दोस्तों देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाटक खट बनी। आओ खेले। मैंने खुद सब कुछ किया। मेरी तरफ इधर फेंको, गैसपर यहाँ। कोई बात नहीं साइमन, मैं लेकर आता हूँ। सॉरी छोटे भाई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं बहुत सारी चीजें खुद अपने आप कर लेता हूँ। लू जैसे नाश्ते के वक्त मैं टेबल खुद लगाता हूँ और साफ भी करता हूँ। ये काम तो आसान है, मैं खुद भी कई बार टेबल लगा देती हूँ। हाय लू। हाय फर्डिनेंड। हाय साइमन। मैं कह रही थी कि टेबल लगाना बहुत ही आसान काम है। हाँ बहुत आसान है, मैं भी रोज करता हूँ और कभी कभी सारे काम ही मैं खुद कर लेता हूँ। ओ अच्छा, तो कौन सा काम तुम खुद कर लेते हो? वो मैं साइमन गैस्पार्ड घर चलने का वक्त हो गया। मम्मी बुला रही है अभी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चलो बच्चों घर चलते हैं। हे साइमन, तुम कोई भी काम खुद से नहीं करते। अरे करता तो हूँ मैं। जैसे क्या बताओ? तुम तो खुद अपना पैजामा भी नहीं पहन सकते, तुम खुद से नहा भी नहीं सकते, और एक दिन तुम ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट निकाल रहे थे तब तुमने पूरा फैला दिया। अरे नहीं, हमें वापस जाना होगा, मेरी किताब बेंच पर रह गई। मम्मी आप रुकिए, मैं सुपर रैबिट हूँ, मैं अभी आपकी किताब लेकर आया। टन टन। मम्मी गैस्पर तुम कहाँ हो? हम यहाँ हैं साइमन। ओह मिल गई, थैंक यू सो मच। तो हाँ गैस्पर, देखा तुमने, ऐसे काम तो मैं खुद यूं ही निपटा देता हूँ छोटे बच्चे। हे मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। चलो बच्चों अब हमें घर चलना होगा, पर घर पहुंचने से पहले ब्रेड खरीदने के लिए बेकरी जाना होगा। हे मम्मी मम्मी, क्या मैं खुद ब्रेड खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हो गैस्पार बेटा, लेकिन इस काम के लिए तुम छोटे हो। फिक्र की क्या बात, जब सुपर रैबिट है साथ। मम्मी मैं खरीद कर लाता हूँ ना ब्रेड। ठीक है सुपर रैबिट, ये लो ब्राउन ब्रेड ले आओ। ओके मम्मी अभी लेकर आया। चॉकलेट केक, मजा आ गया। चॉकलेट क्रोजोन, मेरे फेवरेट। लेमन पाई। यूहू साइमन, साइमन हाय। हे यूहू गैस्पर्ड। मेरा कॉइन बास्केट में गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया बेटा? वो मेरा कॉइन जिससे ब्रेड खरीदना था आपकी बास्केट में गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, ये लो तुम्हारा कॉइन, अब ब्रेड खरीद लो बच्चे।
थैंक यू वेरी मच, आप बहुत 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 अच्छी हैं। हेलो, मुझे एक ब्राउन ब्रेड चाहिए प्लीज। हाँ, क्या बात है। प्लीज। ठीक है, ये लो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। ओ हाय साइमन। हाय फर्डिनेंड। देखो मैंने ब्रेड खरीदा वो भी खुद। अरे वाह। टंटा। मैंने खरीद लिया। टिटिडी टिटिडी। सुपर रैबिट है कमाल। करते सबको बेहाल। ये लीजिए मम्मी। ओह थैंक यू मेरे बढ़ते बच्चे। तो फिर तय रहा, कल से मैं स्कूल भी खुद जाऊंगा मम्मी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना आज रात तुम खाना बनाओ साइमन। हाँ? ओ नहीं 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 मम्मी, उसके लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ। आज खाना मैंने बनाया है। नहीं ये तो चीटिंग है, ये तो जमा जमाया योगर्ट है जो तुमने फ्रिज से निकाला। हे मेरे दोस्तों देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाटक बनी। आओ खेले। मिलू और बर्फ। अब मैं तुम पर फेंकूंगा साइमन। तुम्हारा निशाना बेकार है। निशाना इसे कहते हैं। तुम्हारा निशाना चूक गया साइमन। ओह वो देखो गैस्पर, मीलू घर के अंदर बंद है। बेचारा मीलू। ओह लेकिन वो बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि बाहर इतनी बर्फ जो गिर रही है। हाँ साइमन, क्योंकि वो बर्फ में नहीं चल सकता और वैसे भी इसके छोटे छोटे पैर बर्फ में जम जाएंगे। हे, अगर मीलू के लिए बूट्स ले आए तो। ओहा ओहा, इसके लिए छोटे बूट्स ताकि वो बर्फ में चल सके, है ना? चलो गैस्पर्ड। मेरे लिए रुको साइमन, रुको। तो ये है हमारे सुपर बूट्स। गैस्पर्ड, क्या तुम्हें टेडी बियर के बूट्स मिले? हाँ हाँ मुझे मिल गए साइमन, ये देखो। क्या बात। ये देखो मीलू, हम तुम्हारे लिए बूट्स लाए हैं। हाँ ताकि तुम बर्फ में चल सको। हे मीलू वापस आ जाओ, हम तीनों मिलकर बर्फ में खेलेंगे, चलो। हाँ ये क्या, एक बूट निकल गया। मीलू वापस आ जाओ। वापस आओ और अपना बूट पहन लो मीलू। अरे यहाँ और एक बूट है। हाँ, वो बेडरूम में कहीं छिपा होगा। हम जानते हैं कि तुम यही कहीं हो मिलू। ला 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 ला। मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर छुपे हो मिलू। मिलू तुम कहाँ हो? मेरी सुपर डुपर लेजर लाइट से मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मिलू। हम तुम्हें ढूंढ लेंगे मिलू, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें ढूंढ लिया मिलू। ओह इस बार तुम हमसे नहीं भाग सकते मिलू। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ओ रुक जाओ मिलू, जल्दी गैस्पर्ड, वो बाथरूम में चला गया। मिलू वापस आ जाओ, तुम्हारा एक और बूट निकल गया। मुझे पता है वो यहीं पर है। तो वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा साइमन? बाथटब के अंदर छुपा हुआ है, चलो उसे जाके सरप्राइज करते हैं। तुम्हें हमने ढूंढ लिया। अरे वो यहाँ नहीं है। तो मीलू कहाँ चला गया? हुँ? देखो साइमन, टॉवेल अपने आप चल रहा है। अरे ये तो मीलू है, ये लुका छुपी खेलने में माहिर है। अरे कहाँ भाग रहे हो मीलू? नहीं मीलू वापस आ जाओ। रुको मीलू, तुमने अपने बूट्स नहीं पहने। अरे नहीं अरे नहीं, बिना बूट्स के तो मीलू को ठंड लगेगी। हे जल्दी चलो, हमें उसे किसी भी तरह ढूंढना होगा। पापा पापा, आपने मीलू को देखा? वो अभी अभी बाहर आया। नहीं मैंने तो उसे नहीं देखा। अरे नहीं, उसे बहुत ठंड लग रही होगी। ओ चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, यहीं कहीं होगा। मीलू मीलू,
ये पैरों के निशान तो मीलू के ही लगते हैं। मीलू उस तरफ गया है। ये देखो, पैरों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं। शायद वो पेड़ के अंदर छुपा होगा। देखा, वो यहीं पर है। हे सुनो मीलू, अब चलो बाहर आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें अपने बूट्स पहनने चाहिए ताकि तुम्हें बर्फ में ठंड ना लगे। उसके बूट्स? हाँ पापा, हम चाहते थे कि वो बूट्स पहने। पर बिल्लियाँ बूट्स नहीं पहनती बच्चों। हम चाहते थे कि वो बाहर आकर हमारे साथ बर्फ में खेले। मेरे पास उससे अच्छा आइडिया है। अब ध्यान से सुनो। ओये, थैंक यू पापा। हाँ, अब सुनो गैस्पर, तुम स्लेज लेकर आओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ओ हाँ, ठीक है साइमन। मीलू, बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो आओ हमारे साथ खेलो मीलू। देखा गैस्पर, इसे हमारा सरप्राइज पसंद आया। मीलू को बूट्स पसंद नहीं थे, पर इसे स्लेजिंग पसंद है। तो तैयार हो मीलू? ये! हे मेरे दोस्तों, देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाटक बनी। आओ खेले। हम झूठे नहीं हैं। गैस्पर, मैरी, चलो अपने कैसल को सी शेल से सजाएं। ओ हाँ, सुपर आइडिया साइमन। तो चलो ढूंढते हैं शेल्स, ढूंढते हैं। तो चलो गैस्पर, आओ ढूंढते हैं। ठीक है, तब तक मैं ये टावर बनाती हूँ। देखो छोटे भाई, यहाँ बहुत सारे हैं। हे साइमन, यहाँ एक मॉन्स्टर है, देखो ना। ये क्या है? मैरी, यहो, देखो पानी में एक मॉन्स्टर है। एक मॉन्स्टर? मैं आ रही हूँ। हे, क्या देखा तुमने? एक मॉन्स्टर था, पानी में गया। उसके बहुत सारे हिलते डुलते पैर थे। और हाँ, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भी हैं। हाँ, ये सब झूठ है, ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं होता। नहीं, सच में है, और वो पानी में कहीं चला गया, वहाँ नीचे। कुछ भी, झूठे हो, झूठ बोल रहे हो। हे नहीं, मैं झूठा नहीं हूँ। ये सच है, साइमन झूठा नहीं है, मुझे उस पर यकीन है। सही कहा, तुम लोग अभी तक बच्चे ही हो। तुम हमें बच्चा समझते हो ना, हम तुम्हें मॉन्स्टर पकड़ कर दिखाएंगे, फिर तुम्हें यकीन होगा हम झूठे नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही, फिर कभी हमें बच्चा नहीं बोलोगे। तुमने वो मॉन्स्टर कहाँ देखा था साइमन? वहाँ पत्थरों के बीच। वो रहा। ये तो बेबी ऑक्टोपस है, डर मत, ऑक्टोपस अच्छे होते हैं। लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? अगर हम उसे लालच दे तो? हाँ, पर किस चीज का? हम उसे वो स्नेल्स देंगे, उसे वो पसंद है तो वो खाने बाहर आ जाएगा। ओ हाँ, सुपर डुपर आइडिया मैरी। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं बाल्टी लाता हूँ। अब देखो कैसे बाहर आता है। ये लो नन्हे ऑक्टोपस, नन्हे ऑक्टोपस, नन्हे ऑक्टोपस, आ जाओ। ये तो बड़ा लालची निकला। रुको साइमन, एक आइडिया है। ओ वो रहा, उसे पकड़ो साइमन। पकड़ लिया। हे, ओ नहीं, रुको उसे। छोड़ो उसे ऑक्टोपस, जाने दो। क्या कर रहे हो? ये क्या, वो तो भाग गया। अरे ये क्या है? अरे वो गायब हो गया, वो हमसे ताकतवर निकला, हम उसे नहीं पकड़ सकते। हम उसे पकड़ लेंगे गैस्पर, वो बाहर जरूर आएगा। वो देखो, आ गया। वाओ, कितना सुंदर है, उसने कलर चेंज किया। हाँ, ये तो सुपर डुपर ऑक्टोपस है। हाँ, और मैं उसे पकड़ूंगा। अरे नहीं, ये तो फिर से छुप गया, मुश्किल बढ़ गई। मैं जानता हूँ उसे कैसे पकड़ना है, हमें बस जाल चाहिए।
तो तुम मजे कर रहे हो बच्चों? हे सुनो झूठे कहीं के, क्या तुम्हें वो मॉन्स्टर मिला? जब हम उसे पकड़ेंगे तो तुम हम पर नहीं, हम तुम पर हंसेंगे। हाँ, जो भी हो, तुम्हारी मॉन्स्टर की कहानी बहुत बड़ा झूठ है। ये लो मैरी, इससे तुम उसे आसानी से पकड़ लोगी। ठीक है। एक, दो और तीन, अब चलो छुप जाते हैं। ये बहुत आसान था। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस चाहते हैं कि वो बच्चा तुम्हें देखे। हाँ, उसके बाद तुम्हें वापस पानी में छोड़ देंगे। टाडा! तो देख लो, हम झूठे नहीं है। ये तो एक छोटा मोटा बेबी ऑक्टोपस है। ये मॉन्स्टर, इसने मुझ पर उल्टी कर दी। हाँ, हो सकता है कि ये छोटा मोटा ऑक्टोपस हो, पर ये अपना ख्याल रख सकता है। चलो अब तुम जाओ, बाद में मिलते हैं नन्हे दोस्त। हे मेरे दोस्तों, देखो ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाटक बनी। आओ खेले। गलती मेरी थी। टन टन। क्या कर रहे हो साइमन? मैं गैस्पर्ड के साथ ड्राइंग कर रहा हूँ, इसलिए मार्कर लेने आया था। लो हो गया। हे गैस्पर्ड, क्या बना रहे हो? देखो, मैंने मीलू की पेंटिंग बनाई और मैंने सुपर रैबिट बनाया। हाँ, लेकिन साइमन कान कहाँ है? हाँ, पर अभी ड्राइंग पूरी कहाँ हुई है? देखो। डंडड़ा! साइमन, तुमने दीवार खराब कर दी। ओ नहीं, मैंने तो दीवार पर बना दिया, अब क्या होगा? ओ, अब तुम्हारी खैर नहीं साइमन, मम्मी और डैडी तुम्हें पनिशमेंट देंगे। फिक्र मत करो गैस्पर, ये निशान तो मैं चुटकियों में मिटा दूंगा। और जोर लगाओ साइमन, तुम कर सकते हो। अरे ये तो और फैल गया। आइडिया, मैं इसे स्पंज से मिटाऊंगा। अरे हाँ, जल्दी से लाओ। डंडड़ा! अरे ये तो और फैल गया। सब कुछ ठीक है ना बच्चों? मजा आ रहा है ना? हाँ जी पापा, हमें तो बहुत मजे आ रहे हैं। अरे वाह, यूं ही एंजॉय करो। हमें इसे पानी से धोना होगा, चलो जल्दी। अच्छा ठीक है साइमन। मदद नहीं करोगे ब्रो? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। रुको, पानी में साबुन मिलाता हूँ। सफाई के लिए हम तैयार। अब तो निशान जरूर जाएगा। लो हो गया। अरे वाह, तुमने कमाल कर दिया साइमन। अब हमें सिर्फ ये पानी फेंकना होगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। बस एक मिनट वेट करो, मैं अपने हाथ धोकर अभी आता हूँ। इस तरफ गैस्पर। अब रास्ता साफ है गैस्पर, चलो चलते हैं और बिल्कुल भी आवाज मत करना। जल्दी करो गैस्पर, तेज चलो। संभल कर साइमन, तुम पानी गिरा रहे हो। आवाज मत करो।
चलो ये पानी सिंक में फेंक देते हैं। हाँ सिंक सही रहेगा। उठाओ थोड़ा ऊपर गैस पर और ऊपर। अरे नहीं ये मैंने क्या कर दिया। अरे नहीं पापा आ रहे हैं। जल्दी हमें ये बॉल छुपाना होगा। जाओ जल्दी चलो यहाँ से गैस पर। मुझे हो क्या गया है? आप ठीक तो है ना? मैंने पूरा घर गंदा कर दिया बच्चों। आपने घर गंदा किया? हाँ मैं अपने जूते उतारना भूल गया और देखो क्या हो गया। रुको अभी साफ करता हूँ। गैस्पर्ड पापा को लगता है कि उनकी वजह से फर्श गंदा हुआ है। पर गलती उनकी नहीं है, ये पानी तो हमने गिराया है। ब्रो बहुत गलत हुआ, पर अब हम क्या करें? हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। पापा। हाँ हाँ बोलो क्या बात है बेटा। गैस्पर्ड मेरे भाई तू ही बता देना प्लीज। अरे नहीं 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 साइमन तुम ही बता दो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पापा। क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? पापा मैंने गलती से दीवार पर रंग लगा दिया। मैं पानी से साफ कर रहा था और जब हम पानी फेंकने गए किचन ले जाते वक्त पानी फर्श पर गिर गया, तो ये हमने गंदा किया है, आपने नहीं पापा। हाँ ये सच है पापा, सॉरी। कोई बात नहीं हम मिलकर साफ करेंगे। अरे ओ, क्या तुमने हमारा बोल देखा? वो तो मैंने फ्रिज में छुपा दिया था। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मी नीचे तो देख ले, आपने फर्श गंदा कर दिया। उप्स, अरे ये मैंने क्या कर दिया? हे मेरे दोस्तों देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नाटक बनी। आओ खेले। आज तुम नहाओगे एल्विस। मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ साइमन, देखा? मैं तुम्हें हरा दूंगा गैस्पर्ड। मैं चला सुपर सोने। वक्त है नहाने का बच्चों। ओ नहीं नहीं नहीं, आप हमें नहीं भिगा सकते। आपका निशाना चूक गया चूक गया चूक गया दादाजी। पर दादाजी आप क्या कर रहे हैं? मैं एल्विस को नहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम भी नहलाएंगे सुपर। एल्विस को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, अगर उसे पता चल गया तो वो कहीं जाकर छुप जाएगा। एल्विस क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो दोस्त? ये तुमने क्या किया गैस्पर्ड? एल्विस भाग क्यों गया साइमन? अभी मैंने क्या कहा, उसे नहाना पसंद नहीं। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, हम जाकर उसे लाते हैं। मेरे लिए रुको साइमन, मैं भी आ रहा हूँ। गैस्पर्ड हमें एल्विस को ढूंढना है। दादी जी आपने एल्विस को देखा? नहीं मेरे बच्चों, तुमने बेडरूम में चेक किया? अरे हाँ, अरे हाँ, वो बेड पर सोया होगा। तो बच्चों हमें एल्विस मिल गया? समझो मिल गया। अरे नहीं मुझे लगा वो यहाँ सो रहा होगा। गैस्पर्ड वो यहाँ है। अरे वाह आखिर तुमने उसे ढूंढ लिया। बाहर निकलो आज नहाना है एल्विस। ओ नहीं दादाजी दादाजी देखिए ना एल्विस फिर से बाहर भाग गया। अब तो और मुश्किल होगी। तो बच्चों एल्विस कहाँ छुपा होगा? दादाजी उसे बिस्किट का लालच देते हैं ना, फिर देखिए वो जरूर आएगा। मैं अभी लाया। अरे वाह 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 डॉगी बिस्किट्स डॉगी बिस्किट्स। एल्विस एल्विस तुम बिस्किट खाओगे? यम 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 डॉगी बिस्किट्स कौन खाएगा? एल्विस तो फिर भी नहीं आया। आइडिया तो अच्छा था साइमन, लेकिन एल्विस भी कुछ कम नहीं। ये रहा एल्विस का बॉल। एल्विस आओ अपने बॉल के साथ खेलो।
फिर से आएगा। आज के लिए इतनी भागदौड़ बस, लगता है एल्विस कहीं छुप गया है, उसे कल नहलाएंगे। अभी मुझे गार्डनिंग भी करनी है, क्या तुम लोग मेरा हाथ बटाओगे? नहीं दादाजी, हम एल्विस को ढूंढेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रहे उसे पकड़ना नामुमकिन है। नहीं, अब एल्विस को पकड़ेगा सुपर रैबिट और कैप्टन रैबिट भी। चलो चले गैस्पर्ट, अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। तुम्हारा कॉस्ट्यूम। लेकिन हम एल्विस को कैसे ढूंढेंगे? ये काम तो बहुत आसान है, हम अपनी सुपर पावर्स इस्तेमाल करेंगे। अरे हाँ, सुपर। सुनो, तुम उस पीली दीवार के पीछे देखो और मैं जाकर बांध में देखता हूँ। ठीक है, समझ गया। लेजर विजन। सुनो गैस्पर्ट, मुझे एल्विस मिल गया है। चलो ये बात दादाजी को बताते हैं। दादाजी, दादाजी, एल्विस मिल गया। यकीन नहीं होता। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने उसे ढूंढ लिया। बताओ एल्विस कहाँ है? वो साइड कार में छुपा हुआ है, बांध में। हम उसे वहीं नहलाएं क्या दादाजी? ठीक है, तो चलो। समझ गया। शोर के इसे पकड़ते हैं। ओके, हम तीन तक गिनेंगे। एक, दो और तीन। एल्विस। ये! तो फिर से एक बार जीत हुई सुपर रैबिट की। चलो एल्विस, बाहर नहीं निकलोगे। हे मेरे दोस्तों, देखो, ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नन्हा प्यारा बनी। ये आया साइमन, ये आया साइमन, ये आया साइमन, मेरा नटखट बनी। आओ खेले। आज मैं बोट चलाऊंगा। दोस्तों, देखते हैं यहाँ कौन और तेज। दादाजी, सेलिंग क्लास शुरू होने वाली हम है। पहुँच गए साइमन। ओहो, और हाँ, अपना हेलमेट पहनना मत भूलना। थैंक यू दादाजी। साइमन, कौन है? साइमन, मैं पहुँच गया, मैं हूँ साइमन। हेलो। हेलो साइमन, मेरा नाम लीसा है। ये लो, वेट सूट और लाइफ जैकेट पहन लो। वाओ, सुपर, थैंक यू। हे, हाय साइमन। हेलो मैरी। हाय। अरे ये क्या, ये वेट सूट तो बहुत ही ठंडा और बहुत ज्यादा गीला है। तो अब हम चले? हाँ हाँ चलो। बच्चों, अपने पार्टनर्स के साथ खड़े हो जाओ। हे मैरी, पार्टनर बनोगी? हाँ जरूर बनूंगी। ओके, तो अब मेरी बात सुनो। तो ये रहे बोट, तुम में से एक टिलर संभालेगा जिससे बोट घूमती है, और दूसरा ये रस्सी पकड़ेगा, इसे खींचते ही स्पीड बढ़ेगी, समझे? अरे वाह, क्या बात है। समुंदर में तुम्हें कुछ बॉयज भी दिखेंगे, बिल्कुल इस तरह। तुम्हें इनके पास से ही गुजरना है। बहुत आसान है। हाँ हाँ, बहुत आसान है। शाबाश, अब तुम जा सकते हो, अपनी अपनी बोट्स में बैठो। ये! पता है, मैं पहली बार बोट चलाने वाला हूँ, और तुम? मैंने कई बार बोट चलाई है, देखना बहुत मजा आएगा। याद रखना बच्चों, पानी में गिर गए तो डरना मत, लाइफ जैकेट्स की मदद से तैरते रहोगे और मैं आकर बचा लूंगी। मतलब हम पानी में गिर सकते हैं? ओ हाँ, मैं तो कई बार गिरी हूँ। ठीक है, पर मैं पानी में नहीं गिरना चाहता। चलो बच्चों, अब अपनी अपनी बोट्स पानी में धकेलो। मैं धकेलती हूँ और तुम जाकर वो रस्सी खींचो। ओके। साइमन खींचो। ओके। तुम ठीक हो साइमन? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हमें एक साथ धकेलना होगा। ठीक है, तो तैयार हो? जोर लगा के हाइशा। सुपर। अरे रुको, मेरे लिए रुको साइमन। अपना हाथ दो।
ओके, तो अब मैं बोट चलाऊंगी और तुम वो रस्सी संभालना। हे, पर तुम अकेली बोट क्यों चलाओगी? हाँ, बैठ जाओ जल्दी साइमन। कम ऑन, रस्सी जोर से खींचो ताकि तेज जा सके। वाह, स्पीड बढ़ गई। सामने देखो, हम टकराने वाले हैं। मैरी, तुमने ये क्या किया? हम सीधे बॉय से टकरा गए। तुम सामने थे इसलिए कुछ नहीं देखा। पर बोट तो तुम चला रही हो ना। सब ठीक है ना बच्चों, कुछ हुआ तो नहीं? याद रहे टीम बनकर काम करना है। ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे। ओके, गुड लक बच्चों। ठीक है, तो अब तुम सिर्फ रस्सी संभालोगे। ठीक है, तुम बोट चलाओ और इस बार बॉय से मत टकराना, समझी? ये! हमने कर दिखाया। हम गिरने वाले हैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। अरे वाह! ओह, तैयार रहना मैरी, हम इन्हें हरा देंगे। यस, हम सबसे तेज हैं। सामने देखो, हम निकलने वाले हैं। हमें बोट्स अलग करनी चाहिए। संभाल कर साइमन। थैंक यू मैरी। यस, तुमने कमाल कर दिया। हम आखिर पानी में गिर ही गए। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। और कल हम फिर से बोटिंग करने आएंगे, है ना? हाँ हाँ, जरूर आएंगे, क्योंकि हाँ? हमारी टीम सबसे बढ़िया है। तो बताओ साइमन, तुम्हारी सेलिंग कैसी रही? जी दादाजी, मुझे बहुत मजा आया। और पता है, मैं पानी में गिर गया।